गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, दिस इज सतीश कुमार एंड इन दिस वीडियो वी शैल बी डिस्कसिंग अबाउट द एक्सरसाइज क्वेश्चन आंसर्स फ्रॉम चैप्टर नंबर 9, दैट इज फोर्स ऑफ क्लास 8 स्टैंडर्ड. सो देर आर सम मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस. फर्स्टली वील डिस्कस देम. द फर्स्ट क्वेश्चन इज पुशिंग अ रॉक फ्रॉम अ हिल टॉप इज एन एग्जाम्पल ऑफ. अगर आप किसी हिल टॉप से किसी रॉक को पुश करेंगे तो वो किस चीज़ का एग्जाम्पल होगा? क्या वो मैग्नेटिक फोर्स का एग्जाम्पल होगा? क्या वो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स होगा? क्या वो फ्रिक्शनल फोर्स होगा या वो मस्कुलर फोर्स होगा? बिकॉज हम पुश कर रहे हैं, इफ़ यू आर पुशिंग इट इज़ बेसिकली मस्कुलर फोर्स. हम अपनी मस्कुलर फोर्स से ही किसी रॉक को क्या कर पा रहे हैं, पुल कर पा रहे हैं. सो ऑब्वियसली ऑप्शन डी विल बी द राइट आंसर फॉर क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, दैट इज मस्कुलर फोर्स. नाउ विल बी हैविंग क्वेश्चन नंबर सेकेंड. अ स्टोन थ्रोन विद अ गुलेल फॉल्स बैक ऑन द ग्राउंड बिकॉज. अगर आपने एक पत्थर फेंका गुलेल से, वो वापस ग्राउंड पे आके गिरा, तो इसका रीज़न क्या है? इट इज़ ड्यू टू द मसल्स अप्लाई फोर्स, इट इज़ ड्यू टू द स्टोन अप्लाइज फोर्स एंड द अर्थ एग्जर्ट्स फोर्स एंड द गुलेल एग्जर्ट्स फोर्स. तो किसकी वजह से पत्थर वापस आके गिर रहा है? क्योंकि जो अर्थ है वो एग्जर्ट कर रही है फोर्स. कौन सी? ग्रेविटेशनल फोर्स. नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर थर्ड. द एसआई यूनिट ऑफ फोर्स इज इट किलोग्राम, इज इट ग्राम, इज इट न्यूटन और इज इट नन ऑफ दीज. सो आपको पता है जो फोर्स की यूनिट होती है वो क्या होती है? इट इज न्यूटन. सो ऑप्शन सी विल बी द राइट आंसर फॉर क्वेश्चन नंबर थर्ड. देन विल बी कमिंग टू क्वेश्चन नंबर फोर्थ. विच ऑफ द फॉलोइंग फोर्स इज नॉट ओनली अट्रैक्टिव. इनमें से कौन सी फोर्स सिर्फ अट्रैक्टिव नहीं है, सिर्फ अट्रैक्टिव है, इज ओनली अट्रैक्टिव? इज इट ग्रेविटेशनल, इज इट इलेक्ट्रोस्टैटिक, इज इट मैग्नेटिक और नन ऑफ दीज. आपको पता है कि जो इलेक्ट्रोस्टैटिक होती है वो भी अगर सिमिलर टाइप के चार्जेस हों तो वो रिपल्सिव हो जाती है. और मैग्नेटिक फोर्स में भी अगर दो मैग्नेट्स के आप सेम पोल्स को पास लेके आएंगे तो दे विल ऑल्सो शो रिपल्शन. सो इसी वजह से इलेक्ट्रोस्टैटिक और मैग्नेटिक तो होगा नहीं इसका. सो द आंसर विल बी ग्रेविटेशनल फोर्स. क्योंकि ग्रेविटेशनल फोर्स किन्हीं भी दिन जो दो ऑब्जेक्ट्स के बीच में लगती है, इट इज़ ऑलवेज अट्रैक्टिव इन नेचर. जो आपकी ग्रेविटेशनल फोर्स होती है वो किसी भी दो ऑब्जेक्ट्स के बीच में, जो भी इस यूनिवर्स के अंदर है, जब भी उनके ऊपर लगेगी तो वो क्या होगी? अट्रैक्टिव होगी. जो अर्थ है हमेशा ये क्या करेगी? अट्रैक्ट करेगी चीज़ों को अपनी तरफ. नाउ विल बी हैविंग क्वेश्चन नंबर 5. अंडर विच कंडीशन कैन अ मूविंग ऑब्जेक्ट चेंज इट्स डायरेक्शन. एक मूविंग ऑब्जेक्ट कब अपनी डायरेक्शन चेंज करेगा? जब उस पर फ्रिक्शन इंड्यूस किया जाएगा, या उसका फ्रिक्शन इंक्रीज किया जाएगा, या उस पर फोर्स अप्लाई की जाएगी, या फोर्स अप्लाई नहीं की जाएगी. तो स्टूडेंट्स, हमने फोर्स के जब इम्पैक्ट्स के बारे में हम पढ़ रहे थे, तो जब हम किसी भी चीज़ पे फोर्स अप्लाई करेंगे, सो इट इज़ क्वाइट ऑब्वियस दैट द मूविंग ऑब्जेक्ट विल चेंज इट्स डायरेक्शन. सो बाय अप्लाइंग फोर्स यू कैन चेंज द डायरेक्शन ऑफ एनी मूविंग ऑब्जेक्ट. फोर्स अप्लाई करने से ही किसी भी चीज़ की डायरेक्शन क्या होती है? चेंज हो जाती है. नाउ विल बी हैविंग क्वेश्चन नंबर 6. अ मैन वॉकिंग ऑन द स्ट्रीट स्लिप्स ऑन बनाना स्किन बिकॉज. जब कोई आदमी चल रहा होता है किसी गली के अंदर और वो बनाना का अगर छिलका उसके पैर के नीचे आ जाए तो वो क्यों करता है? क्योंकि वो स्टिकी होता है, क्योंकि एट दैट पॉइंट देर इज़ वेरी लिटिल फ्रिक्शन बिटवीन हिज शूज एंड ग्राउंड और हिज फूट क्रशेस इट ऑल ऑफ दीज. सो क्योंकि फ्रिक्शन वहाँ पे बहुत कम हो जाता है, इस वजह से वो पर्सन क्या हो जाता है? स्लिप हो जाता है. सो विल बी हैविंग ऑप्शन बी एज द राइट आंसर फॉर क्वेश्चन नंबर 6. देन विल बी हैविंग क्वेश्चन नंबर 7. डैश इज अ नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स. उनमें से कौन सा आपका नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स है? आपको पता है मस्कुलर, फ्रिक्शनल और इलास्टिक, इन तीनों में कॉन्टैक्ट होना बहुत ज़रूरी है. बस एक है इनमें जो कॉन्टैक्ट फोर्स नहीं है, एंड दैट इज़ द ग्रेविटेशनल फोर्स. सो 7th का जो ए है, दैट इज़ ग्रेविटेशन फोर्स, इट इज़ अ नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स. अब हमारे पास ट्रू फॉल्स हैं और येस और नो टाइप्स हैं, एंड फिर एनालॉगी एंड मैच द कॉलिंग. सो फर्स्ट ऑफ ऑल विल गो विद ट्रू फॉल्स टाइप क्वेश्चंस. फोर्स ऑलवेज हैज़ अ पर्टिकुलर डायरेक्शन. फोर्स जो लगेगी वो किसी एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में लगेगी, दैट इज़ क्वाइट ट्रू. क्योंकि हमेशा फोर्स भी जब भी हम लगाते हैं तो उसकी एक डायरेक्शन होती है, फिक्स डायरेक्शन होती है. देन नेक्स्ट इज फ्रिक्शन इज ऑलवेज हार्मफुल. जो फ्रिक्शन होता है वो हमेशा क्या होता है? हार्मफुल होता है. दिस इज़ फॉल्स. फ्रिक्शन हमेशा हार्मफुल नहीं होता है, ठीक है? क्योंकि अगर फ्रिक्शन नहीं होगा तो हम चल भी नहीं पाएंगे. तो फ्रिक्शन का होना कभी कभी क्या होता है? बहुत ज़रूरी होता है. देन वी आर हैविंग ट्रू फॉल्स टाइप क्वेश्चन. ट्रू फॉल्स में फर्स्ट है हमारे पास, अ मैग्नेट अट्रैक्ट्स ऑल मेटल टूवर्ड्स इटसेल्फ. दिस इज़ फॉल्स. जो मैग्नेट है वो सभी मेटल्स को अट्रैक्ट नहीं करती है, कुछ लिमिटेड मेटल्स हैं जैसे आयरन, निकल, कोबाल्ट, उनको क्या करती है? वो अट्रैक्ट करती है. द सेकेंड क्वेश्चन इज फोर्स कैन इंक्रीज और डिक्रीज द स्पीड ऑफ मूविंग ऑब्जेक्ट.
दैट्स ट्रू। तो अगर आप फोर्स लगाएंगे किसी भी मूविंग ऑब्जेक्ट पे तो उसकी स्पीड क्या होगी, कम या ज़्यादा हो सकती है। देन वी आर हैविंग येस और नो टाइप क्वेश्चंस। येस और नो टाइप क्वेश्चंस में फर्स्ट है हमारे पास, पाउडर अप्लाइड टू अ कैरम बोर्ड टू रिड्यूस फ्रिक्शन। हमारी जो गिट्टियाँ होती हैं वो इजीली मूव करें कैरम बोर्ड पे, इसलिए हम क्या करते हैं पाउडर डालते हैं और उसकी वजह से क्या होता है फ्रिक्शन क्या होता है रिड्यूस हो जाता है, और इसी वजह से पाउडर का यूज़ किया जाता है ताकि जो गिट्टियाँ हैं उसकी, जो कैरम बोर्ड की होती हैं गिट्टियाँ, वो ईजिली मूव कर सकें उसकी सर्फेस के ऊपर। देन सेकेंड इज फोर्स इज एनर्जी, दिस इज फॉल्स एंड दिस इज नो, बिकॉज फोर्स एक अलग चीज़ है और जब किसी चीज़ पे फोर्स अप्लाई होती है तब एनर्जी क्या होती है प्रोड्यूस होती है, ठीक है। फोर्स के एप्लीकेशन से ही एनर्जी बनती है, बट दोनों चीज़ें अलग अलग हैं। नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर थर्ड, ग्रेविटी इज एन कॉन्टैक्ट फोर्स। क्या ग्रेविटेशनल फोर्स कॉन्टैक्ट फोर्स है? नो, इट इज़ नॉट अ कॉन्टैक्ट फोर्स। अब एनालॉजी टाइप क्वेश्चन है स्टूडेंट हमारे पास, इसमें पहला है कॉन्टैक्ट फोर्स की अगर बात करें तो लिफ्टिंग ऑफ अ बकेट ऑफ वाटर, अगर हम पानी की बाल्टी उठा रहे हैं तो उसमें हमारी कौन सी फोर्स लग रही है? कॉन्टैक्ट फोर्स लग रही है। और अगर नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स का हमें एग्जाम्पल देना है सो इसमें क्या एग्जाम्पल आ जाएगा हमारे पास, ऑब्जेक्ट्स फॉलिंग ऑन द ग्राउंड, मतलब अगर ग्राउंड पे ऑब्जेक्ट्स गिर रहे हैं उनके बीच में कौन सी फोर्स लग रही है? ग्रेविटेशनल फोर्स लग रही है, जो एक नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स है। अब हमारे पास स्टूडेंट्स नेक्स्ट कॉलम है, कॉलम ए और कॉलम बी, नीचे इनके यहाँ पे बॉक्सेस दिए हुए हैं किसको किसके साथ मैच करना है। सो आई जस्ट रिटन, जैसे वन आई के साथ, जैसे वन किसके साथ जा रहा है यहाँ से, अल्फाबेट के साथ जिसके साथ भी जा रहा है उसका मैंने यहाँ पे लिखा हुआ बॉक्स में, ठीक है। सो पुलिंग अ ड्रॉअर आउट फ्रॉम अ टेबल, पुलिंग अ ड्रॉअर आउट फ्रॉम अ टेबल कॉलम बी में किसके साथ जाएगा? एक कॉन्टैक्ट फोर्स लगेगी जो आई पे दिया हुआ, आपका आई सिक्वेंस पे दिया हुआ, तो उसके साथ जाएगा। अब अगर सेकेंड की बात करें फोर्स, तो फोर्स क्या होता है? पुश और पुल, जो आपका एच नंबर पे दिया हुआ है कॉलम बी में। देन क्वेश्चन नंबर थर्ड इज मूविंग बॉल स्टॉप्स आफ्टर सम टाइम्स ड्यू टू, मूविंग बॉल जो होती है कुछ टाइम बाद अपने आप रुक जाती है, किसकी वजह से? फ्रिक्शन की वजह से, जो कॉलम बी में के सीरियल नंबर पे दिया हुआ है, ठीक है। नेक्स्ट इज स्प्रिंग बैलेंस, जो स्प्रिंग बैलेंस होता है वो क्या होता है? इट इज यूज्ड फॉर मेजरिंग वेट ऑफ द बॉडी, उसे किस लिए यूज़ किया जाता है? वेट ऑफ द बॉडी मेजर करने के लिए, जो कॉलम बी में ए सीक्वेंस पे है हमारे पास। नाउ वी आर हैविंग द फिफ्थ वन इन कॉलम ए, एन एप्पल फॉल्स ऑन द अर्थ ड्यू टू, कोई एप्पल जो है वो अर्थ पे गिरेगा, क्यों गिरता है अर्थ पे एप्पल? इट इज़ ड्यू टू ग्रेविटेशनल फोर्स, जो कॉलम बी में बी नंबर पर है, ठीक है, ग्रेविटेशनल फोर्स। देन वी आर हैविंग सिक्स्थ इन कॉलम ए, द लेदर सोल्स ऑफ अ न्यू शू आर रब्ड ऑन अ रफ सरफेस, जो लेदर शूज के जो सोल्स होते हैं वो रब हो जाते हैं, घिस जाते हैं रफ सरफेस पे, किसकी वजह से? इट इज़ ड्यू टू फ्रिक्शन कॉजेज, सिक्स वाले में क्या आ जाएगा आपके पास? इट गोज विद फ्रिक्शन प्रोड्यूसेस हीट, फ्रिक्शन हीट प्रोड्यूस करता है, इस वजह से वो क्या होते हैं? घिस जाते हैं। नेक्स्ट मैग्नेट अट्रैक्ट्स आयरन फिलिंग्स, जो मैग्नेट होता है वो आयरन फिलिंग्स को अट्रैक्ट करता है, जो क्या है? एक नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स है, जो कॉलम बी में आपका ई सीक्वेंस पे दिया हुआ है नॉन कॉन्टैक्ट, इस तरह से। नाउ वी विल बी हैविंग क्वेश्चन नंबर दिस थिंग एट, अ पीस ऑफ चॉक वियर्स आउट एज इट इज यूज्ड ऑन द ब्लैक बोर्ड, अगर एक चॉक पीस को ब्लैक बोर्ड पे यूज किया जाए तो वियर आउट हो जाता है, क्योंकि फ्रिक्शन कॉजेज वियर एंड टीयर, जो कॉलम बी में आपका सी सीक्वेंस पे दिया हुआ है, सी सीरियल नंबर पे दिया हुआ है, ठीक है। नेक्स्ट फोर्स रिक्वायर्ड टू लिफ्ट 100 ग्राम मास वर्टिकली अगेंस्ट द ग्रेविटी, तो 100 किलोग्राम मास को अगर वर्टिकली उठाना है ग्रेविटी से तो उसमें कितना हमारा फोर्स लगेगा? सो इट विल गोज विद एफ, दैट इज किलोग्राम वेट, 1 किलोग्राम, 1 किलोग्राम का क्या लगेगा? उसका वेट फील होगा जब उसके ऊपर इतनी फोर्स लगा के उसको वर्टिकली उठाया जाएगा। नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 10, फोर्स इज मेजर्ड इन, फोर्स को हम किस में मेजर करते हैं? इट इज़ देन मेजर्ड इन न्यूटन, कॉलम बी में जो है आपका वो 10th वाला किसके साथ है? डी के साथ है आपका, ठीक है। नाउ विल बी हैविंग 11th, टाइनी बिट्स ऑफ ड्राई पेपर आर पुल्ड बाय द रब्ड कॉम, जो टाइनी पेपर बिट्स होते हैं रब्ड कॉम उनको क्यों खींचता है? इट इज़ ड्यू टू इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, जो 11th वाला है वो किसके साथ जाएगा? जे के साथ जाएगा, ओके। सो नाउ विल बी हैविंग सम फिल इन द ब्लैंक स्टूडेंट्स, फिल इन द ब्लैंक्स में पहला है अ डैश इज यूज व्हेन वी ट्विस्ट ऑन वेट क्लोथ्स टू स्क्वीज वाटर, कौन सी फोर्स यूज होती है जब कपड़ों को निचोड़ते हैं हम तो हमारे पास इलास्टिक फोर्स यूज करते हैं उसमें। द फोर्स बाय द अर्थ ऑन अ बॉडी इज ऑलवेज इन द
डैश डायरेक्शन, जो अर्थ फोर्स लगाती है उसकी वजह से बॉडी हमेशा किस तरफ आती है, डाउनवर्ड डायरेक्शन की तरफ आती है. स्प्रिंग बैलेंस इज यूज्ड टू मेजर डैश ऑफ द बॉडी, वेट ऑफ द बॉडी. ओके.